शॉट्स के बीच हम बैठे हैं वहाँ पर और मैं रिधि को सिंगिंग वोकल्स के टिप्स दे रहा हूँ, सारे हम सारे गामा वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू नो तुम्हारा पा थोड़ा हिल रहा है, यू नो, तो दैट इज डेफिनेटली माय फॉन्डेस्ट मेमोरी। और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुहास टेली चक्कर में। द मैरिड वुमन, क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत टाइटल के बारे में, इस खूबसूरत न्यू वेंचर के बारे में? एज द नेम सजेस्ट, ये कहानी है एक मैरिड वुमन की। एंड यू नो आई थिंक कि हमारे समाज में ऐसी कहानियाँ बहुत बहुत ज़रूरत हैं। थोड़ा सा कहानी के बारे में आपको शायद पता चल गया होगा ट्रेलर से कि आस्था जो है, जो कि इस शो की मैरिड वुमन है, काफ़ी कन्वेंशनल लाइफ है उसकी, लेकिन उसी कन्वेंशनल लाइफ के अंदर अंदर उसको ये महसूस हो जाता है कि उसकी लाइफ में थोड़ी कुछ कमियां हैं। उसका जो आस्था का जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ, बाहर से तो बहुत ही अच्छा लगता है, हेमंत और आस्था परफेक्ट मैरिज वगैरह, लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती है आस्था को पता चलता है कि थोड़ी सी उस रिश्ते में काफ़ी कुछ कमियां हैं जो आस्था ने अपने आप बस एक्सेप्ट कर लिया है। और आस्था ये समझती है कि लाइफ ऐसी ही होती है, और जैसे कहानी बढ़ती है उसे हौसला मिलता है, करेज मिलती है कि वो इस सबको एक्सेप्ट ना करें और ये चाहती है कि जो कन्वेंशन है उसको थोड़ा सा चैलेंज करें अपने लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। और जो रिएक्शंस आ रहे हैं कभी कभार कुछ मतलब कि फेसबुक पे कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि और ये सारे के सारे मैरिड वुमेन से हैं ये मैसेजेस, और वो कह रहे हैं कि ट्रेलर देख के मुझे मतलब कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यू नो शायद ये मेरी कहानी है वगैरह। तो ऐसा बहुत हो रहा है, तो ये फीलिंग तो बिल्कुल क्लियर है मुझे कि अगर लोग मैरिड वुमेन जो हैं इंडिया की, जो ये ट्रेलर देख के वो कह रही हैं कि शायद ये मेरी कहानी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि इस कहानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत रेजोनेट हो रहा है। बट वॉट वॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन जब आपको यू नो आपका किरदार बताया गया, या जब आपको बताया गया कि स्टोरी ऐसी है वेयर इन द लीड प्रोटैगनिस्ट या फिर द लीड जिस पर फोकस है सारा, वो एक मैरिड वुमन है, नो दिस इज योर रोल, दिस इज हाउ द स्टोरी विल गो है, आपका क्या इंप्रेशन था उसका? जब इस कहानी के बारे में मुझे पता चला तो एक बात मुझे काफ़ी जल्दी से समझ में आ गई कि ये हेमंत कपूर का जो कैरेक्टर है इसको तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है। कभी कभी मैंने अपने यू नो अंकल्स के रूप में हेमंत कपूर देखा है, कभी मेरे यू नो मेरे फादर के रूप में, कभी कभी मैंने हेमंत कपूर को अपने आप में पाया है। तो एक चीज़ क्लियर थी कि लोगों की फ्लॉज को डीमनाइज करना बहुत ही आसान होता है, ये देखो मतलब कि इतना बैड हस्बैंड है वगैरह, लेकिन मैं अपनी लाइफ में देखूँ तो जो जो प्यार है मुझ में इन सारे फिगर्स के लिए, हेमंत कपूर जैसे फिगर्स के लिए, वो कभी कम नहीं हुआ है। मैंने देखा है कि ठीक है, काश ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करते यू नो मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग आंटी के साथ, लेकिन उसके बावजूद मेरा प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ है। तो उसी को आगे लेके मैंने कहा कि हेमंत कपूर है मतलब कि फ्लॉड बंदा है, लेकिन क्या वो अच्छा बंदा है? मे बी। तो मैंने उस तरीके से हेमंत कपूर को अप्रोच किया। ओके, इन दो लीडिंग लेडीज के साथ काम करना, हाउ वाज इट लाइक यू नो व्हेन द कैमरा वाज रोलिंग एंड आल्सो व्हेन द कैमरा वाज शट, यू नो द बिहाइंड द सीन, कैसा एक्सपीरियंस था? अमेजिंग, अमेजिंग, बिकॉज आई मीन दे आर वेरी पावरफुल पीपल, रिधि डोगरा, मोनिका डोगरा, मतलब दे आर सॉर्ट ऑफ यू नो वेरी पावरफुल वुमेन एज पर्सनालिटीज, बट उसके साथ ही दे आर ऑल्सो इनक्रेडिबली वार्म, incredibly generous and very funny also. Riddhi is like, especially I mean mere zyada scenes Riddhi ke sath the obviously, so she's just like really nice to have around, and you know keeps the set very light hearted and lots of fun. Wo bahut gana gaati hai, I mean she just like wo hamari first AD ka mic leke wo gana shuru kar leti hai, aur main kahunga ki wo अच्छा गाती हैं, मतलब कि ज़रा घबरा के बोलूँगा मैं, लेकिन आई मीन इट वाज जस्ट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फॉन्डेस्ट मेमोरी दैट यू हैड विद रिद्धि एंड मोनिका बोथ? नो, एक्चुअली देयर वाजंट वेरी मच व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन्वॉल्वड एंड आई वाज
And usually, if it was something like that, then it was a very busy setup, because if all three of us were together, there's probably another like 20 characters as well, and you know, maybe like 100 extras or whatever. So it, you know, those kind of situations, it's a bit tough to actually like get time together. Shots ke beech hum baithe hain wahan par aur main Riddhi ko vocal singing vocals ke tips de raha hun. Sare hum sare gama vagaira practice kar rahe hain aur main bol raha hun ki ha, you know, tumhara pa thoda hil raha hai, you know. So that is definitely my fondest memory, because that lasted for like 45 minutes ke liye Delhi ki thand mein, 4 in the morning, I'm giving her singing lessons. So that is definitely my fondest memory. Okay, fans, are we already, even though the serial, the show has been going on here, but they are still excited for the next season. Kya lagta hai jab wo ye dekhenge aapka show, and you know, by the time they'll reach towards the end, what do you think will be their takeaway? They realize that like we are conditioned to believe certain things, and sometimes the truth lies beyond our conditioning. And hopefully, I really hope that people will see that, like, you know, at the end of the season, be like, love is love. And it's not just about accepting, you know, different sexual orientations or seeing like sexual fluidity within yourself, but just being like, you know, it doesn't matter. Love is the most important thing. Playing such characters, or maybe being a part of such series wherein we are targeting such bold topics, is not easy, because there are, when you have pros, you have cons also. You have people who will support you, they like your work, and there are some who's going to say, ye kaisa topic pakad liya hai. So was it that you came across such trolls, or maybe you came across such comments from people who were showing their hate, but then you saw that how the other people were defending you in your body of work that you guys are doing here in this. Did you saw such things? Did you get such feedbacks? So far, I have not seen too many hateful comments or like anti-comments. It's mostly been a lot of support. I do expect it moving forward. But I think that's just how it is now. On social media, everybody you know, enjoys the fact that they have a voice. They're very happy to voice their own thoughts, regardless of how unthought those thoughts may be. And so, yeah, they see it as their freedom, and it sort of like pans out. And after a point, sometimes you know that there is a reason why you did the work, and now the work will have its own life, and then it's over, you know, after you've done the work and it's out there, it's okay, you know, it has its own journey. Year 2021, what all can we expect out of your platter for the fans? 2021 has just begun, and I'm very happy that it's starting on this note. I'm really proud of The Married Woman. I think it's a great show. I think it's like, you know, it's designed for socio-cultural impact, to widen the discourse that we have on these topics. So by design, it's a progressive show. So I'm just really glad to be, you know, part of it and have this year start like this. And I would love to go from strength to strength. Any parting words for your fans who are going to watch you in this series, and also they're going to love your bonding with the two of them? I just want to say thank you in advance for watching this show. You made the right choice. Please, I hope you like it. I hope you'll recommend it. And we're all in this together. Love is love. Hi, this is Suhas Ahuja, and you're watching me on Telechakkar. Do watch my show, The Married Woman, streaming March 8th onwards on Alt Balaji and Z5 Premium. Thank you. Know all about the telly world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.